आज की डेट में पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में टर्की एक अकेला देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता है और कश्मीर से लेकर एनआरसी हर मुद्दे पर भारत को घेरता है। मलेशिया में जब तक महातीर मोहम्मद प्रधानमंत्री थे तब तक वो भी टर्की की तरह पाकिस्तानी जुबान बोलते थे, मगर अब वहां पर उनको उनकी पार्टी ने पीएम पद से हटा दिया है और अब मलेशिया के नए पीएम मोहिदीन यासिन भारत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। उल्टा उनके कार्यकाल में तो कुछ ही हफ्ते पहले मलेशिया ने पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान ही जब्त कर दिया था। यहाँ तक कि चाइना भी भारत के अंदरूनी मामले कश्मीर एनआरसी वगैरह पर बोलने से बचता रहा है, लेकिन टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान पिछले कुछ समय से भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। यूनाइटेड नेशंस असेंबली में संबोधन हो या फिर पाकिस्तानी दौरा, पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार हो चुका है जब टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने अपनी स्पीच में डायरेक्ट भारत और कश्मीर का नाम लेकर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाया है, लेकिन फिर भी भारतीय सरकार ने टर्की के खिलाफ आज तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है और ना ही कोई बड़ी कार्रवाई की है। कुछ समय पहले तो टर्की के दुश्मन देश ग्रीस ने भी भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने अभी तक ग्रीस का खुले में समर्थन उस तरह बिल्कुल नहीं किया है जैसे टर्की पाकिस्तान का कर रहा है। हैरानी वाली बात तो ये है कि टर्की को आज भी इंडियन नेवी के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल्स बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है, जिसको इतना कुछ होने के बावजूद आज की डेट तक भारत ने कैंसिल नहीं किया है। मोटे तौर पर कहो तो भारत ने जिस तरह मलेशिया को सबक सिखाने के लिए उसका पाम ऑयल ब्लॉक करके वहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हिला दिया था, भारत वैसा कुछ टर्की के साथ बिल्कुल नहीं कर रहा है और भारत ने आज तक टर्की के खिलाफ बड़ी ज्यादा पेशेंस यानी सब्र से काम लिया है। मगर भारत के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स को डर था कि टर्की फिर भी नहीं सुधरेगा और जो आज के समय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का 46वां सेशन चल रहा है उसमें वो पाकिस्तान की बोली बोलते हुए भारत के खिलाफ जहर जरूर उगलेगा, और ऐसा हुआ भी। दरअसल नभारे टाइम्स, टीआरटी, द गार्डियन न्यूज और कई बड़े बड़े मीडिया हाउस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के 46वें सेशन को संबोधित करते हुए टर्की के विदेश मंत्री ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलेट ने कहा कि भारतीय सरकार जम्मू कश्मीर में लगाई गई कड़ी पाबंदियों में छूट दे। उन्होंने कहा कि टर्की चाहता है कि जम्मू कश्मीर की समस्या का हल यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से और वहां के लोगों की अपेक्षा से हो। वैसे ये पहली बार नहीं जब टर्की ने भारत के खिलाफ इतने बड़े मंच पर जहर उगला हो। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान पहले भी यूएन असेंबली में कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से कर चुके हैं। वहीं ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं कि टर्की पिछले कुछ समय से भारत के केरल और कश्मीर के कट्टर इस्लामिक संगठनों की फंडिंग भी कर रहा है। ऐसे में हैरानी वाली बात यह है कि भारतीय सरकार जो आज की डेट में चाइना तक को नहीं बख्श रही है, वो टर्की पर कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सबसे पहले तो भारतीय सरकार को टर्की को करीब $2.5 बिलियन का नेवल वेसल बनाने का दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए, उसके बाद टर्की पर चाइना की तरह बाकी कार्रवाई करनी चाहिए। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है कि टर्की को दिया हुआ नेवल वेसल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।